नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, वहां एक घटना हुई जिसको लेके ओवैसी से लेके तमाम लोग इस समय ऐसे लग रहा है कि जैसे हिंदू मुस्लिम यही बातें हो रही हैं। मामला है एक टीचर तृप्ता त्यागी। उन्होंने अपनी क्लास में एक बच्चे को कुछ बच्चों द्वारा मार खिलवाई, खुद वो कुर्सी पर बैठी नजर आ रही है। पहली नजर में यह मामला क्या आता है, एक अप्रशिक्षित टीचर या ये कहिए एक टीचर की अमानवीय हरकत, जिसमें वो एक क्लास के बच्चे को दूसरे क्लास के बच्चों से पिटवाती है। लेकिन हम सब ने यानी देश ने इस घटना को कैसे जाना, एक हिंदू टीचर ने एक मुस्लिम बच्चे को बाकी हिंदू बच्चों से मार खिलवाई। तो ये तो है हमारे समाज का चरित्र, जहां नेताओं के जरिए हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है और इसको लपक लिया जाता है। लेकिन ये मामला है क्या, आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं बाबा रामदास जी का। बाबा जी स्वागत है आपका, नमस्कार। जय हो भक्तों की जय हो, जय श्री राम। सर, तृप्ता त्यागी के बारे में अगर मैं पूछूं तो सरसरी नजर में वीडियो में वो महिला बच्चों से बच्चे को पिटवाते हुए दिख रही है, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? सर, ये मसला जो असल मसला है, दुर्भाग्य की बात है कि उस पे देश में कोई चर्चा ही नहीं हो रही। देखिए भाई, कोई भी दो लोग अगर बात कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उन दोनों की कोई न कोई तो धर्म संप्रदाय जाति होगी। तो आप डिस्कस कर लीजिए कि एक ठाकुर एक बामन के साथ बैठ के खा रहा है, या एक ठाकुर एक बामन का कपड़ा नोच रहा है, या तो इस एंगल से बात कीजिए, या जो वो एक्चुअली मुद्दा है उस पर बात करिए। तो दुर्भाग्य की बात यह है कि जब से ये मामला प्रकाश में आया है, जितने भी लोग हैं वो चर्चा सिर्फ ये कर रहे हैं कि एक हिंदू टीचर ने एक मुसलमान बच्चे को हिंदू बच्चों से पिटवाया। जबकि मेरे लिए एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, मेरे लिए सिर्फ एक मसला है कि हमारे देश का टीचिंग स्टाफ किस कदर अनट्रेंड है। और सिर्फ टीचिंग स्टाफ नहीं, मैं ये अपने देश में, भारत में, हर उस व्यक्ति में पाता हूं जो कि पब्लिक डीलिंग करता है। किसी भी विभाग में चले जाइए, फ्रंट डेस्क पर बैठे हुए व्यक्ति को पब्लिक के साथ डील करना नहीं आता, मैनेजर को अपनी टीम के साथ मतलब जब भी आप ह्यूमन इंटरेक्शन की बात करेंगे, एक व्यक्ति दूसरे से बात कर रहा है, उसे काम ले रहा है, उसका बॉस है या उसका एम्प्लॉय है या उसका सबॉर्डिनेट है, ही डजेंट नो हाउ टू हैंडल, हाउ टू डील विद हिज टीम, हाउ टू डील विद इट पीपल। शिक्षा विभाग में बीएड होना कंपलसरी है, अगर आप बीएड नहीं है तो आप टीचर नहीं बन सकते। यट वो टीचर्स ट्रेनिंग होती है, वो जो जो भी होती है, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं बीएड को बीटीसी जानता हूं ज्यादा, बीटीसी वगैरह ये सब। तो मुझे ताज्जुब होता है कि यार ये सब बीएड बीटीसी में या टीचर्स ट्रेनिंग में, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग में, आखिर अपने टीचर्स को सिखाते क्या है? मतलब अच्छा, दूसरी चीज है, जब वो घटना दिखाई दी मुझे वीडियो पे, तो मुझे लगा कि अरे यार, हिंदुस्तान का जो क्लासरूम है पिछले 40 साल में बिल्कुल नहीं बदला। हम लोग, मैं खुद केंद्रीय विद्यालयों का स्टूडेंट रहा हूं, जो उस जमाने में हिंदुस्तान के बेस्ट इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, ये सब प्राइवेट स्कूल तो अब आए हैं पिछले 20-25 सालों में, जो बड़े बड़े नाम हैं। हमारे जमाने में तो हिंदुस्तान का जो बेस्ट स्कूल होता था वो केंद्रीय विद्यालय होता था, जिसमें फौजियों के और केंद्रीय कर्मियों के बच्चे पढ़ा करते थे। उस जमाने में भी हमारे टीचर्स ठीक यही ट्रीटमेंट बच्चों को दिया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी क्लास में भी बीसियों बार ऐसा हुआ होगा जब मैडम ने किसी अन्य बच्चे से दो थप्पड़ लगवाए हैं किसी बच्चे को,
घुटनों के बल बैठा देते थे, उसको नील डाउन करते थे, दोनों हाथ खड़ा करके खड़ा कर देते थे क्लास में, क्लास कुर्सी के ऊपर खड़ा कर देते थे, उसके बाद क्लासरूम से बाहर निकाल के दोनों हाथ खड़ा करके जो है खड़ा कर देते थे, जिससे पूरा स्कूल देखे, प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा कर दिया जाता था, उसके बाद मुर्गा बना दिया जाता था क्लास में, सारा दिन खड़ा रहने की सजा दी जाती थी। यह आज से 40 साल पहले होता था। मैंने कहा यार ये आज तक हो रहा है, मतलब पिछले 40 सालों में हिंदुस्तान नहीं बदला। तो मेरे लिए ये सीधे सीधे ट्रेनिंग का विषय है कि हमने अपने वर्कफोर्स को, देश की पूरी वर्कफोर्स को, मैं सिर्फ टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं, हमने अपने देश की पूरी वर्कफोर्स को ट्रेनिंग दी ही नहीं, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है, जो जैसा चाहता है वैसा कर लेता है, सब अपना वो ट्रायल एंड एरर मेथड से अपना अपना काम कर रहे हैं सब लोग। मेरे लिए ये विषय है। बिल्कुल, और मैंने भी जब ये चर्चा शुरू की तो मुझे भी यही लगा, वो वीडियो देखने के बाद मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि ये कितनी बदतमीज टीचर है, कितनी अप्रशिक्षित टीचर है, अमानवीय हरकत कर रही है। लेकिन आपने जैसे शुरू में कहा कि दो लोगों के बीच कुछ भी होगा तो दोनों का कोई ना कोई धर्म होगा, दोनों की कोई ना कोई जाति होगी। तो खैर, हम तो अब व्यंग्य रूप में ही अगर मैं कहूं तो मैं तो धन्यवाद दूंगा ओवैसी जैसे नेताओं को जिन्होंने इसमें हिंदू मुस्लिम देख लिया। राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस की टीम को भी धन्यवाद दिया ना जाना चाहिए कि भारतीय शिक्षा में वो बड़े बदलाव के लिए कम से कम हिंदू और मुस्लिम का आँच सेके, लेकिन उस बहाने हम और आप ये बात कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने एक बात कही ना, इसको जरा टीचर से हटा के बाकी सारी जगहों पर ले चलते हैं। आप बैंकिंग सेक्टर देख लीजिए, आप रोडवेज का टिकट कटाने जाइए उसके कंडक्टर का बिहेव देख लीजिए, आप रेलवे का टिकट कटाने जाइए विंडो पर बैठे महिला या पुरुष उस कर्मी को आप देख लीजिए, और छोड़िए साहब पब्लिक रिलेशन ऑफिसर PRO जिनका की काम ही है कि वो पब्लिक से रिलेशन बना के रखे हैं, जरा किसी भी महकमे के PRO अगर कहीं होता है तो उसके साथ बात करके देख लीजिए। यानी कुल मिला के अगर किसी एक सरकारी प्रतिष्ठान में जहां सरकारी पैसे पर तनख्वाह लेकर जनता की सेवक के लिए लोग नियुक्त होते हैं, वहां के चपरासी से आप शुरू करिए, क्लास फोर्थ से, वो इस आप सिर्फ इतना पूछिए कि साहब का कमरा किधर है, अकाउंट डिपार्टमेंट किधर है, वो आपसे इस तरीके से बात करेगा कि जैसे आप किस थर्ड वर्ल्ड से आ गए हैं और उसको नाहक परेशान कर रहे हैं, उसके आराम में खलल डाल रहे हैं। तो सर ये बेसिकली जॉब ट्रेनिंग का मामला है, और इसको लेके आप क्या समझते हैं कि ये बदलेगा कैसे, क्योंकि जो मुझे समझ में आता है ये तो सिंपली जॉब ट्रेनिंग का मामला है। प्राइवेट सेक्टर आप देख लीजिए, कोई नौकरी देने से पहले सबसे पहले जॉब ट्रेनिंग होती है। सरकार में ऐसा क्यों नहीं होता, सरकारी विभागों में ऐसा क्यों नहीं होता, कम से कम सार्वजनिक पब्लिक से डील करने वाले लोग मृदुभाषी हों, सही तरीके के हों, वेल बिहेव्ड हों, अपना काम करना जानते हों, जिस डेस्क पर बैठे हैं, ये क्यों नहीं होता सरकारी विभागों में, या होता होगा तो देखने को क्यों नहीं मिलता? सर एक तो मैं सबसे बड़ा कारण इसका यह मानता हूं कि हमारे देश में ट्रेनिंग को, या ट्रेनिंग छोड़ दीजिए, लर्निंग को के प्रति लोगों का एटीट्यूड बहुत कैजुअल है। हम ट्रेनिंग या लर्निंग को सीरियसली लेते ही नहीं, ना सीखने वाला सीरियसली ले रहा है, ना सिखाने वाला ले रहा है। सिखाने वाले की एक ड्यूटी है, उसने अपने किसी तरह उस ड्यूटी को पूरा करना है तो वो फॉर्मेलिटी करके सिखा देता है, और सीखने वाला जानता है कि अरे यार ये खाम खा कर टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे आराम में, मेरे दैनिक जीवन में इन्होंने खलल डाल दिया है, ये फालतू की फर्जी ट्रेनिंग जिसका मेरे जीवन में बिल्कुल असर नहीं पड़ना है, इस ट्रेनिंग से मुझे कोई फायदा नहीं होना है, तो वो इस एटीट्यूड से ट्रेनिंग लेने जाता है। देने वाले का एटीट्यूड है अरे यार कहां बवाल हमारे गले पड़ गया। तो सर जब आप ट्रेनिंग के प्रति ये एटीट्यूड रखेंगे, और पूरा देश, पूरा समाज, मतलब पूरे कुएं में भांग पड़ी है। मैं आपको बताऊं मेरे निजी अनुभव,
मैंने एक स्कूल में ज्वाइन किया तो मेरा ये एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जो लीडर होता है ना उसको अपने डुप्लीकेट्स तैयार करने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में. लीडरशिप इज नथिंग बट क्रिएटिंग योर डुप्लीकेट्स. तो मैं क्या करता हूं, जैसे मेरी पत्नी है, जैसे हमारे यहाँ मेरे घर में ना हर साल दो साल में हेल्प्स बदल जाती हैं, तो पत्नी मेरी चूंकि वर्किंग है, मैं भी बाहर घूमता रहता हूं, तो किचन में जो है हेल्प जो चाहिए होती है, तो हर महिला के खाने बनाने का ढंग दूसरा होता है, अलग होता है. तो मेरा एक नियम है कि जब भी कोई नई हेल्प आती है तो मैं 15-20 दिन उसको हर चीज की ट्रेनिंग देता हूं कि देखो प्याज ऐसे काटनी है, हम लोग ऐसा खाना खाते हैं, इसमें ये पड़ेगा ये नहीं पड़ेगा, सब्जी ऐसे धोनी है, सब्जी को काटने से पहले धोना है बाद में नहीं धोना है, मतलब ये बेसिक ट्रेनिंग है. तो सर अगर आपका सबॉर्डिनेट, अगर आपकी टीम कायदे से काम नहीं कर रही है तो ये लीडरशिप का फेलियर होता है. ये मेरे जीवन का सिद्धांत रहा है. इसलिए आई ऑलवेज बिलीव इन क्रिएटिंग लीडरशिप इन माई टीम. तो सर मैंने एक स्कूल में ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ये स्टाफ को तो बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तो मैंने रोज स्कूल के बाद एक घंटा जो है उनकी ट्रेनिंग क्लासेस लेनी शुरू की कि एक्चुअली देखिए टीचिंग होती क्या है, पेडागॉजी क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, टीचिंग कैसी होनी चाहिए, रोट लर्निंग और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में क्या अंतर है, हमें क्यों एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी चाहिए, रटंत विद्या को खत्म करो, बच्चों का इम्यूलेशन कर, इस टाइप की ट्रेनिंग में रोज एक घंटा दिया करता था. सेशन अभी नया नया शुरू हुआ था अप्रैल, तो सर बहुत सारी टीचर्स ने ना उबासियां लेना शुरू कर दिया तीसरे चौथे दिन, बहुत सारी टीचर स्कूल से गायब होने लगी उस दौरान, और एक टीचर ने तो यहां तक कमेंट किया कि इस आदमी ने तो खून खा लिया है, और एक टीचर ने नौकरी छोड़ दी मेरे इस दुख के कारण कि यार इस आदमी का लेक्चर कौन सुनेगा रोज एक घंटा, उनको मेरी वो बातें लेक्चर लगती थी. सर यहाँ आपको रोकूंगा, मैंने अपने पूरे जीवन खून पीना सुना था, खून खा लिया, आपने अभी खून खिलाया है उन टीचर को, ये तो सर एक एक टीचर ने स्कूल छोड़ दिया. अच्छा उसके बाद मैं और एटीट्यूड देखता हूं, जो CBSE है वो आजकल अपने सारे टीचर्स को के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता है, और एक किसी एक क्लस्टर में, जैसे मान लीजिए जलंधर में एक ट्रेनिंग हो रही है तो कपूरथला और जलंधर और होशियारपुर और इधर के सारे टीचर्स वहां आ जाएंगे, 100-150 टीचर्स, तो साल में 10-12 ट्रेनिंग्स होती हैं. सर कोई टीचर ट्रेनिंग लगाने के लिए जाने नहीं चाहता था. कुछ थे जो होते हैं ना जो घुमक्कड़ किस्म के होते हैं, उनके लिए तो बड़ी मौज मस्ती का दिन होता है वो, इसलिए मैं जरूर जाऊंगा. हमारा एक टीचर था वो ट्रेनिंग लगाने दुबई और श्रीलंका तक गया क्योंकि उसको उसको सीखने का शौक था. और उस आदमी ने, मैं आपको बताऊं उसकी ग्रोथ देख लीजिए, ही वाज अ मैथ्स टीचर, ही जॉइंड अवर स्कूल एट 35,000. आज से 5 साल पहले उसने 35,000 रुपए से हमारे स्कूल में मैथ्स टीचर की नौकरी शुरू की, और CBSE की वर्कशॉप और जितनी भी ट्रेनिंग्स होती थी वो लगाता था. मैंने बोला श्रीलंका और दुबई तक गया ट्रेनिंग लगाने, आज सर 2.25 लाख रुपए सैलरी ले रहा है गुड़गांव के एक स्कूल में 5 साल के अंदर, बिकॉज ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट हिज ट्रेनिंग एंड लर्निंग. वो टीचर बनने के बाद भी खुद की लर्निंग में विश्वास करता था. सर हमारी 99% वर्कफोर्स को का सीखने की इच्छा ही नहीं है कुछ, वो इस ट्रेनिंग को इस लर्निंग को बोझ मानते हैं, सीखना ही नहीं चाहते. बिल्कुल ठीक बात है. आपकी पत्नी भी आती ही एक ट्रेनर है, वो कितना बताइए जरा. मैं वही बताने जा रहा था आपको, आपने प्राइवेट सेक्टर की ट्रेनिंग की बात बताई, अब जरा इसको सरकारी सेक्टर में ले आते हैं. गवर्नमेंट में नवाचार जिसको आप कह रहे हैं बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस, LTM से पढ़ाना, नवाचार, उसको यहाँ नवाचार कहा जाता है सरकारी, उसमें हिंदी में कह लीजिए, ठीक है, जिसमें बच्चों को क्रिएटिव तरीके से पढ़ाना, नाच गा के पढ़ाना, छोटे बच्चे या आप सिर्फ छोटे बच्चों की नहीं, ये मैं इंटर कॉलेज स्तर की बात कर रहा हूँ. आप कह रहे हैं कि जब प्राइवेट या CBSE जब टीचिंग को ट्रेनिंग कराती है तो लोग भागते हैं. साहब सरकारी
मास्टरों की, सरकारी अध्यापकों की जब ट्रेनिंग आती है तो उनके लिए उत्सव होता है। वजह क्या है, 3 से 4 दिन की रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती है। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का मतलब आपके रुकने की व्यवस्था डाइट पे, आपके खाने नाश्ते दोनों समय के खाने की व्यवस्था डाइट पे, यानी आपको 3 दिन वहीं रहना होता है और बड़ा सघन प्रशिक्षण होता है। लेकिन सारे टीचर खुश इस तरीके से हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये स्थिति होती है सर कि जितने भी टीचर, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर बाहर अगर तैनात है तो वो रहता शहर में है, हर शहर का टीचर डाइट होता है शहर में। तो साहब 3 दिन का फुल फॉर्म बता दीजिए जरा, डाइट का फुल फॉर्म बता होता है, उसको कहते हैं जिला शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र। ओके, हर जिले में शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बाकायदे एक बड़ा स्टाफ के साथ, जिसमें लेक्चरर्स होते हैं, उसमें आपको जान के बताऊं कि जिले का जो बीएसए होता है ना, बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो पीसीएस अधिकारी होता है, वो वहां पर सीनियर लेक्चरर लगा होता है। यानी डायट में एक सीनियर लेक्चरर किसी जिले का बीएसए भी हो सकता है। तो इतनी महत्वपूर्ण व्यवस्था है, इतना अच्छा स्टाफ, आप कह लीजिए कि इतना अच्छा वहां का एकेडमिक स्टाफ है, लेकिन वो टीचरों के लिए क्या होता है, उत्सव का माहौल होता है। सीखना पढ़ना कुछ नहीं, सारी पंचायतें वहां होती हैं, 10 to 5 जाते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं, दिन का खाना खाते हैं और उसके बाद आराम से चले आते हैं। ट्रेनिंग क्या हुआ ये ईश्वर जानता है, लेकिन इसमें दोनों खुश हैं, ट्रेनिंग कराने वाला भी खुश होता है, ट्रेनिंग लेने वाला भी खुश होता है। ट्रेनिंग लेने वाला इसलिए खुश होता है कि उसको मौज आ गई, 10 to 5 अपने शहर में है, 20-25 किलोमीटर दूर अपने तैनाती वाली जगह नहीं जाना है। बाकी डायट कैसे खुश होता है, यानी सरकारी अमला कैसे खुश होता है कि रेजिडेंशियल ट्रेनिंग थी, 3 दिन इनके रुकने की व्यवस्था, नाश्ता 2 टाइम खाना, ये मास्टर साहब लोग आते हैं सुबह नाश्ता, वो नाश्ता भी नहीं करते क्योंकि 11 बजे पहुंचते हैं 10 की ट्रेनिंग में, तो एक लंच देना है, अच्छा खासे पैसे वहां बच जाते हैं। तो ये तरीका है सर नवाचार का। लेकिन इसी के साथ अगर देखेंगे तो स्कूलों का, सरकारी स्कूलों का स्तर अच्छा हुआ है, स्टाफ अच्छे लेवल का आया है, लोगों की भर्तियां बढ़िया हुई हैं। अब यहीं पर कुछ टीचर बहुत अच्छा करके दिखाते हैं। यहां बात आती है आपके वही श्रीलंका और दुबई वाले टीचर के उदाहरण जो आपने दिया, कि वो खुद अच्छा करना चाहते हैं, उनमें खुद में ललक है तो वो करते हैं, लेकिन ऐसी बमुश्किल 1 या 2%, 1% से भी कम यह संख्या। जी हाँ, नहीं, मुझे एक और इसमें समस्या नजर आती है, जो ट्रेनिंग का अमला है, जो ट्रेनिंग का की जो व्यवस्था है, उसके बाद एक व्यवस्था ये नहीं चाहिए कि जो ट्रेनिंग हमने दी वो इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। अरे भाई, तुमने सिखा के भेज दिया, उसके बाद ये भी तो चेक करो कि जिसको सिखाया था उसने अपने दैनिक जीवन में, अपनी ड्यूटी पे उस नई सीखी हुई चीज को इम्प्लीमेंट किया, और यदि इम्प्लीमेंट किया तो क्या चेंजेस आए, क्या रिजल्ट आए, कितनी गुणवत्ता बेहतर हुई सेवा की। सर, इसकी कोई हमारे देश में सिस्टम नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि 40 साल पहले जो व्यवस्थाएं थीं, जो ढर्रा था, जो रवैया था, जो सोच थी, वो आज तक चली आ रही है। हालांकि पिछले 10-15 सालों में जब से थोड़ा सा ये मीडिया और सोशल मीडिया में थोड़ी सी जागरूकता आई है और हर आदमी के हाथ में जो फोन हुआ है, देखिए आखिर किसी के पास फोन था और किसी ने वो वीडियो बना ली, तभी तो यह मामला बाहर आया ना। बिल्कुल, तो थोड़ा सा सुधार तो आया है, इस वजह से कि अब आपको ये डर रहता है कि आपकी बदतमीजी की या आपकी है ना मेल प्रैक्टिस की कोई वीडियो न बना ले। तो लोग, देखो भाई, हम लोग हेलमेट इसलिए लगाते हैं चालान न कर, कहीं पुलिस चालान न कर दे। हेलमेट लगाने से मेरी जान बच जाएगी। मैं बताऊं, मेरे साथ पिछले 1 महीने में 3 बार ऐसा अनुभव हुआ कि यदि मैंने हेलमेट ना लगाया हो तो 3 बार मेरी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती।
वो तो अच्छा हुआ कि मैं हमेशा अपनी बुलेट पे जब चलता हूँ तो अच्छी क्वालिटी का बहुत बेहतरीन हेलमेट लगा के चलता हूँ। वैसे तो मैं आज भी जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ऋषिकेश में बैठ के बना रहा हूँ, और मैं परसों आगरा से चला था, एक रात दिल्ली रुका, एक रात ऋषिकेश रुका, अभी इस वक्त मैं जो है बद्रीनाथ केदारनाथ और माना पास की तरफ जा रहा हूँ। हालांकि बहुत लोगों ने समझाया कि मौसम जी, मैं आपके बदले बैकग्राउंड से मैं पूछना चाह रहा था कि ये कंक्रीट कहाँ दिख रहा है आपके आश्रम में, कंक्रीट तो दिखता नहीं है। बहरहाल आप तो, हिमालय के ठीक मुहाने पे हैं जी। तो देखिए मेरे लिए, मेरे पिछले बार जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बुरी तरह छिल गया था, क्योंकि मैं बाबा जी बन के धोती पहन के बाइक चला रहा था। अगर मैंने प्रॉपर सेफ्टी गियर जो कि मैं आज राइड पे पहन के चल रहा हूँ वो पहना होता तो मेरा शरीर छिलता नहीं। उस दिन तो इत्तेफाक से मैंने सिर्फ हेलमेट लगा रखा था। तो मेरे लिए आज जो सेफ्टी गियर है वो जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि मैं इतनी लंबी राइड पे जा रहा हूँ, मौसम खराब है, स्लिपरी है, रोड पे कीचड़ होगा, अगर मेरी बाइक कहीं स्लिप करेगी तो मुझे खरोंच तक नहीं आएगी। इसके लिए मैं प्रॉपर राइडिंग शूज, पूरा घुटने पे अपने नी पैड्स, एल्बो पे पैड्स, पूरी राइडिंग जैकेट, बढ़िया स्वेटर, बढ़िया हेलमेट और हाथ में ग्लव्स पहनता हूँ। मेरे लिए ये सेफ्टी गियर चालान से बचने का उपक्रम नहीं है, मैं अपनी सुरक्षा के लिए ये सारा सेफ्टी गियर पहनता हूँ और सभी ट्रैफिक नियमों का पालन करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लंबे समय तक राइड करनी है। मेरे उस्ताद ने मुझे ये सिखाया था कि आपने राइड करनी है एक दिन के लिए नहीं, ऐसी राइड कीजिए कि आप अगले 20 साल तक राइड कर सकें। तो सर, आप जब अपनी ट्रेनिंग में, अपने वर्क प्लेस में कुछ सीखते हैं तो इसलिए सीखिए। उस लड़के का मैं एग्जांपल देता हूं जिसने 35,000 रुपए से अपना कैरियर शुरू किया और मात्र 5 सालों में आज 2.25 लाख रुपए सैलरी ले रहा है। तो भैया, व्हेन यू लर्न समथिंग, जब आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं तो आप जिंदगी में ग्रो करते हैं। इसलिए ये ट्रेनिंग जरूरी है, इसलिए ये लर्निंग जरूरी है। इस एटीट्यूड को हमें अपने देश में हर विभाग में, बिल्कुल, हर व्यक्ति को यह समझाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, हम लोगों ने देखिए, आखिर हम लोगों ने भी इसी विषय को उठाया है जिस विषय को हिंदू मुसलमान कहते हुए नेताओं ने उठाया है, कांग्रेस पार्टी ने उठाया है, ओवैसी ने उठाया है, तमाम लोग इसी तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि साहब हिंदू है मुस्लिम है, हिंदू है मुस्लिम है। लेकिन हम लोगों ने भी तो ये विषय उठाया ना बातचीत का, और पिछले करीब 20-25 मिनट से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारा संदर्भ क्या है? क्योंकि वो महिला टीचर जो कह रही है कि साहब हम विकलांग हैं इसलिए हम उठ नहीं सके, यानी कि अभी भी उसको इस बात का इल्म नहीं है। उसके कहने का क्या मतलब है जब वो ये कह रही है कि मैं विकलांग थी, मैं विकलांग हूं इसलिए मैं उठ नहीं सकी, दूसरे बच्चों से इसलिए मैंने पिटवाया। मतलब अगर उसके दोनों पैर सही होते तो वो खुद उठ के बच्चे को कूटती। यानी अभी भी उसकी समझ में दूर दूर तक ये नहीं है कि उससे गलती क्या हुई है। तो आप जो कह रहे हैं कि मतलब समझ का ये स्तर है कि ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से बच्चों को पढ़ाना, उसको इस बात का भान भी नहीं है, इल्म ही नहीं है कि मुझसे गलती क्या हुई है। वो ये कहती है कि अगर मेरी टांगें सही होती तो मैं अपनी टांगों पर खड़े होकर उस बच्चे की टांग तोड़ देती। तो ये तो स्तर है सर, इसको टीचरों से उठाइए और बाकी जगहों पर ले जाइए। आप बैंक चले जाइए साहब, काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति ऐसे बात करेगा जैसे आप उसके पापा जी का पैसा लेके भागने वाले हैं बैंक से। तो ये एटीट्यूड एक्चुअली आता कहां से है सर, और क्यों आता है? सर वही बात है कि एक तो जो व्यक्ति सीट पे बैठा है उसका यही बेसिक फंडामेंटल, उसका यही क्लियर नहीं है कि आखिर वो इस सीट पे बैठा क्यों है और उद्देश्य क्या है। उसको अगर आप सरकार लाख रुपए तनख्वाह दे रही है या कोई भी उसका एम्प्लॉयर कुछ पैसे दे रहा है तो आखिर उसको इस गद्दी पे क्यों बिठाया है, मूल उद्देश्य क्या है, करना क्या है उसको। वो ये उसका एटीट्यूड ये है कि यहां पे मैं अपनी सुविधा के लिए बैठा हूं। मैं एक ढाबे पे गया तो उससे मैंने कुछ ऑर्डर किया तो उसने बोला ऐसे नहीं ऐसे बनता है। तो मैंने कहा भाई ये बता
कि तूने ये ढाबा अपने लिए खोला है या मेरे लिए खोला है? तुम ये अपनी सुविधा के लिए काम कर रहे हो या मुझे सेवा देने के लिए काम कर रहे हो? बोलो नहीं जी हम ऐसे ही बनाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, जरा उसको ऐसे बना दो। बोलो नहीं बनती। अरे मैंने कहा ऐसा कौन सा नियम है कि नियम, आखिर ये एटीट्यूड क्या है? मतलब तुम मुझे सर्विस देने के लिए अपने ढर्रे से जरा भी हटने को तैयार नहीं हो। उसको मुझे यह समझाना पड़ा कि बेटा ये ढाबा तुम्हारा नहीं है, तुम एक निमित्त मात्र हो, ये ढाबा मेरे लिए खोला गया है, इसलिए मेरी चलेगी, यहां जो मैं कहूंगा वो मिलना चाहिए, मेरे टेस्ट का मिलना चाहिए। सर ये ढाबे का मालिक भी मुझे ये समझाना पड़ा उसको ये बात कि ये तुम्हारा, मैंने कहा ये गलतफहमी में मत रहो कि ये तुम्हारा ढाबा है। नहीं 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 नहीं, ये मेरा ढाबा है क्योंकि आई एम द पेइंग मास्टर, मेरे पैसे से ये ढाबा चल रहा है। अगर मैं नहीं आऊंगा मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर तुम्हारी सर्विस से मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तो ये ढाबे को कल ताला लग जाएगा। सर मालिक को ये अकल ही नहीं थी, भगवान करे उसको सद्बुद्धि आई हो मेरे समझाने से। चेक कीजिएगा ढाबा अभी भी चल रहा है या बंद हो गया, कभी चेक जरूर करिएगा। हाँ मैं चेक करूंगा उसको। तो सर बात ये ना कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका ये बेसिक फंडा ही क्लियर नहीं है। मैं लोगों को बताता हूं कि नहीं नहीं कहता, वो लोग कहते हैं मैं आपका नौकर नहीं हूं। मैंने कहा श्रीमान जी इस एटीट्यूड को बदलो, तुम हमारे ही नौकर हो, तुम हमारे नौकर हो, तुम नौकरी किए हो, ये यू आर इन जॉब, और तुम्हारा एकमात्र जीवन का तुम्हारे एकमात्र उद्देश्य है मुझे सर्विस देना, सर्विस देना, यू आर हेयर टू प्रोवाइड मी अ सर्विस। सर ये एटीट्यूड में जो बदलाव है ना सर, ये मैं हिंदुस्तानी एटीट्यूड, मैं आपको एक बड़ा मजेदार एग्जांपल देता हूं। आज से करीब 15 साल पहले मैं और मेरी पत्नी मनाली के एक ऐसे रेस्टोरेंट में चले गए जो एक गांव में चल रहा था। उसको डेनियल नाम का एक स्विट्जरलैंड का नागरिक चल रहा था, उसने कुल्लू की एक लड़की महिला से शादी कर ली थी तो वो यहाँ का नागरिक हो गया था। तो उसने एक गांव में जमीन खरीद के, और एकदम खाली पड़ा था वो ढाबा, मैं और मेरी पत्नी हम सारा दिन उसके ढाबे उसके उसके उस रेस्टोरेंट में पसरे रहे। सर मैंने देखा कि वो उस रेस्टोरेंट का मालिक था। हम सुबह 9 बजे उसके यहाँ पहुंच गए थे, शाम 8 बजे तक हम वहीं पड़े रहे मैं और मोनिका। सर वो आदमी सारा दिन काम करता रहा अपने ढाबे में, उसका स्टाफ बल्कि बैठा हुआ था, उसका जो शेफ था ना वो आराम से बैठा हुआ था क्योंकि दिन में कोई ग्राहक था नहीं। वो शाम को चलता था, शाम को ना बड़े बड़े ग्रुप्स आते थे विदेशियों के। तो मैंने मोनिका से कहा, मैंने कहा देखो ये मालिक है ढाबे का और वो सामने कर्मचारी है, कर्मचारी आराम से अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ है, मालिक सुबह 9 बजे से लगातार लगा हुआ है, एक एक चीज की उसने सफाई की, उसने खुद अपने हाथ से एक केक बनाया था। तो मैंने कहा देखो ये हिंदुस्तानी मालिक और विदेशी मालिक के ये एटीट्यूड का अंतर, वो विदेशी मालिक जानता है कि ये मेरा ढाबा है, ये मेरा रेस्टोरेंट, ये मेरा वेंचर है, वो तो चलेगा नहीं चलेगा वो तो कहीं और नौकरी ढूंढ लेगा, अगर नहीं चलेगा मैं तो एकदम में बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा तो करोड़ों रुपया डूब जाएगा। वो अपनी नौकरी कर रहा है जो बैठा हुआ है आराम से कुर्सी पे। मैंने कहा ये मालिक है सुबह से लेकर रात तक। सर हिंदुस्तानी मालिक का ये एटीट्यूड नहीं होता। आपने 99% हिंदुस्तानी मालिक देखे होंगे, वो सिर्फ गल्ले पे बैठ के, और ज्यादातर तो गल्ले पे भी नहीं बैठते, वहां पे भी स्टाफ बैठा देते हैं, ये आपने देखा होगा, मालिक सिर्फ गल्ले पे बैठा रहता है या एक तरफ बैठा रहता है या आता ही नहीं अपने स्टाफ के बल पे चलाता है। चलिए अगर ये तो देख के चला जाता है, हाथ झाड़ के पैसे उठा के शाम को आता है, दिन का गल्ला खाली करके या कुछ घंटों पे आता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं मालिक जो 4 घंटे 3 घंटे के बाद आते हैं, गल्ला खाली करते हैं फिर चले जाते हैं। सर ये हमारे हमारे रीजन की, मैं सिर्फ ये नहीं कहता, ये हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग है ना, ये हम लोग सब लोग, सर ये हमारी एटीट्यूड की प्रॉब्लम है कि हम ये समझ ही नहीं पाते कि हम इस काम को जो कर रहे हैं ये अपने लिए कर रहे हैं कि सामने वाले के लिए कर रहे हैं। अपना काम समझ के हम करते ही नहीं।
बिल्कुल ठीक बात, चाहे वो नौकरी हो चाहे अपना काम हो। यहाँ तो आपने हाँ मतलब आपने कहा ना, जबकि आप जब ये कह रहे हैं कि अपना काम समझ के करते ही नहीं है, तो उसमें मालिक भी शामिल है, जो पैसा लगा के बिल्कुल जिसको जो बिल्कुल खुद को मालिक कहता है। नौकर तो छोड़ दीजिए, नौकरी करने वाला तो छोड़ दीजिए, उसमें मालिक भी शामिल है। अच्छा सर, अब अगर चलते चलते बोलूं और पूछूं आपसे कि मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहां की एक मुजफ्फरनगर। टीचर, हाँ सॉरी मुजफ्फरनगर, वहां की एक टीचर इस तरह की अमानवीय हरकत करते हुए पकड़ी जाती है, जिस पर आधे घंटे से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये ट्रेनिंग न होने का परिणाम है, ट्रेनिंग न होने का परिणाम है, और सिर्फ शिक्षक नहीं बल्कि ये समाज की एक आम समस्या है। उसमें पार्टियों को, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे उनके गिरोह के इकोसिस्टम के तमाम पत्रकार हों, ओवैसी साहब तो है ही है, हिंदू मुसलमान क्यों दिख जाता है? सर उनको उनकी सोच ही इतनी सीमित है ना, किसी किसी लीडर ने, किसी पार्टी ने मूल समस्या पर डिस्कस नहीं किया ना। उन्होंने सिर्फ बिल्कुल ऊपर से देखा कि उनके लिए एक हिंदू टीचर एक मुसलमान बच्चे को पिटवा रही है, हमारे लिए एक टीचर एक बच्चे को, एक तो गलत पढ़ाई पढ़ा रही है। आज के जमाने में कौन पहाड़े रटवाता है? पहाड़े रटवाना कितना फिजूल का काम है ठीक बात है। और नहीं रट लिया तो उसकी उसको जो है थप्पड़ खिलवाना कौन हाँ। सा बहुत बड़ा अचीवमेंट है भाई? आज से 50 साल पहले कैलकुलेटर्स नहीं थे घर घर, तो लोग पहाड़े रट के जो है काम किया करते थे, तो है जरूरी था है, या कुछ हद तक जरूरी होगा, पर जमाना बदल गया है सब। तो एक तो आप ठीक गलत बात, पढ़ाई पढ़वा रही हैं, ऊपर से आप बच्चे को गलत तरीके से डील कर रही हैं, बच्चे को ह्यूमिलेट कर रही हैं। मूल समस्या है कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की जरूरत है। ये इस बिल्कुल पूरे ठीक, प्रकरण से मुझे जो समझ में आया। और एक चीज और बताऊं, मेरे से बहुत सारे विषयों पे मैंने एक कहा कि मैंने कहा हिंदुस्तान की बहुत सारी समस्याओं का एक बहुत सिंपल सा हल है, एनी बडी हु इज ऑन अ पब्लिक चेयर, एनी बडी हु इज इन पब्लिक डीलिंग, या कोई भी व्यक्ति जो समाज के बीच में रह के कार्य कर रहा है, उसके लिए ड्यूटी पे बॉडी कैम अनिवार्य कर दीजिए। बॉडी ठीक बात, कैम, आपकी बॉडी में आपकी यूनिफॉर्म के साथ जो कैमरा है वो एक कंपलसरी चीज हो। जैसे आजकल कुछ समझदार लोग अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक कैमरा लगा के चलते हैं जो 24 घंटे ऑन रहता है, ठीक है ना। इसी तरह हर सरकारी कर्मचारी को एक बॉडी कैम ऑन कर दिए। हमारे प्राइवेट स्कूलों में आजकल हर कमरे में सीसीटीवी लगा हुआ है। वो सीसीटीवी जो है ना हमारे टीचर्स को, हालांकि ये बहुत अच्छा सोल्यूशन तो नहीं है, ये तो आप किसी कृत्रिम तरीके से लोगों को डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसिप्लिन ठीक तो बात, अंदर की चीज है, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। पर जब तक सेल्फ डिसिप्लिन नहीं आ जाता है, या जब तक हमारा वर्कफोर्स उस लेवल तक स्वतः स्फूर्त प्रेरणा से नहीं सुधर जाता है, तब तक सर ये बॉडी कैम और सीसीटीवी कैमरा से निगरानी एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। ठीक बात, अल्टीमेटली ठीक तो बात, आपको, मैंने कहा ना, अंदर से सुधरना पड़ेगा। व्यवहार ही चेंज करना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टियां तो सर पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस देश में राजनीति कर रही हैं। उनको देश के कल्याण से, देश की प्रगति से, देश के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, उनको बिल्कुल तो ठीक बात किसी है, तरह एक मुद्दा चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, कुल बात समझ में आई सर। देखिए, वो समाज, जो समाज दीवार पर इस ये नोटिस छपा हुआ देखने का आदी हो कि सावधान, आप कैमरे की निगरानी में हैं, मतलब ये जब लिखा रहेगा हाँ तभी हम सुधरेंगे। तो यहां से लेके ये सफर लंबा है, और ये सफर इस तरह के प्रकरणों में हिंदू मुसलमान नहीं हुआ करते। अफसोस है कि न पार्टियों को समझ में आता है, न नेताओं को समझ में आता है, न तमाम सेक्टर 16 छाप मीडिया, आप देखिए टीआरपी कोर मीडिया जिसको आप सुपारी पत्रकारिता कहते हैं, उनको भी ये समझ में नहीं आता है। बहुतों के लिए तो उत्तर प्रदेश का मामला है, इसलिए इसको हिंदू मुसलमान करके शुरू हो जाओ, ये भी है। उम्मीद है कि इस घटना के बहाने हमने जिस मर्म को पकड़ा है उसको भी जानने समझने और उस पर चिंतन करने का प्रयास रहेगा लोगों का। दर्शकों, आपको भी हमने, देखिए ये विषय लगातार चर्चा में है, पिछले 24-48 घंटों से चर्चा में है, अगले न जाने कितने घंटों चर्चा में रहेगा, लेकिन हमने भी तो इसको देखा, प्रारब्ध के इस मंच पे देखा, बाबा रामदास जी के साथ देखा, लेकिन हमने क्या देखा?
हमारा एंगल अलग था। इसलिए यह घटना मूल में क्या उद्देश्य रखती है, क्या वजह रखती है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि बाबा रामदास जी से आज भी हमारी चर्चा आपको निश्चित पसंद आई होगी। आप अपने कमेंट्स जी इस घटना से सीखो और एजुकेशन सिस्टम, नॉट ओनली एजुकेशन सिस्टम, देश के हर सिस्टम में बेटरमेंट की तरफ काम करने के लिए इस घटना से आप रास्ता निकालिए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक बहुत सुधी हैं। और समाज, देखिए समाज भी जब चीजों को अलग तरीके से देखने लगता है तो फिर वो अलग तरीके के रास्ते पर चल भी पड़ता है। बाबा जी आपने हमें समय दिया, आपकी उत्तराखंड यात्रा शुभ हो। और हमें उम्मीद है कि जब आगे हम बातचीत करते रहेंगे तो आपके पीछे के बैकग्राउंड जो है वो बदलते रहेंगे। अभी कंक्रीट की दीवार दिख रही है, पहाड़ दिखेंगे, नदियां दिखेंगी, झरने दिखेंगे। इसी उम्मीद के साथ दर्शकों आज देते हैं बाबा रामदास जी को धन्यवाद और आप सभी को करते हैं प्रणाम। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रारब्ध और दद्दा की खरी खरी चैनल के सभी दर्शकों को।